वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। फ्रेंड, ये गाड़ी है अशोक लेलैंड BS4 गाड़ी है, और इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गाड़ी चालू होकर बंद हो जा रही है। तो हमारे गाड़ी चालक का कहना है कि ये गाड़ी को चालू करते हैं तो पूरी फुल क्रैंकिंग करती है, और जब फील पम्प हार्ड करते हैं, हैंड प्राइमर हार्ड करते हैं यानी पुश करके उसको हार्ड करते हैं, तो उसके बाद गाड़ी थोड़ी देर चालू रहती है, फिर बंद पड़ जाती है। तो हम आज ये गाड़ी में चेक करेंगे और इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमको इसमें क्या प्रॉब्लम मिलता है, क्या फॉल्ट मिलता है। तो हम सबसे पहले करते हैं क्या कि हैंड प्राइमर यानी डंकी को जो है फील पम्प को हार्ड करते हैं, इसको पुश करके हार्ड कर लेते हैं, और हार्ड करके हम देखेंगे गाड़ी को चालू करके कि हमारा क्या इसमें फॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आते हैं फ्रेंड, जैसे कि हैंड प्राइमर का भी प्रॉब्लम आता है हमारा, और दूसरा चीज़ हमारा कि हमारा डीजल जो पाइप है उसका भी प्रॉब्लम आता है। तो चलिए पहले हैंड प्राइमर में पुश करता हूँ यानी डंकी पुश करता हूँ, और पुश करके हार्ड करता हूँ इसको, और हार्ड करके मैं चालू करता हूँ गाड़ी को, उसके बाद देखते हैं क्या इसमें फॉल्ट मिलता है हमको। ठीक है, तो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएँगे भी कि अगर ऐसे आपके पास कभी तकलीफ़ आती है तो इस रूल्स को आप लोग ज़रूर फॉलो कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें गाड़ी को चालू करके, और चालू करके देखते हैं। ये यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कि गाड़ी मार दो चालू, बस मार दो, आप लोगों ने देखा कि जब जब हम लोग हैंड प्राइमर यानी डंकी हार्ड कर रहे हैं तो गाड़ी हमारी चालू रहती है, उसके बाद बंद पड़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डीजल देख लेते हैं कि डीजल हमारा सही सप्लायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा हम लोग एयर भी निकालेंगे 10 नंबर के बोल्ट से जिसमें वाइसर है उसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे। तो चलिए एयर भी निकाल लिया हमने, एयर निकालने के बाद अब फिर से हम डंकी को यानी हैंड प्राइमर को पुश करते हैं और उसको हार्ड करते हैं, और हार्ड करने के बाद गाड़ी को हम करते हैं चालू, और देखते हैं कि फिर से हमारा वही प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, तो फिर आपको बताएंगे। यहाँ पे जो है फ्रेंड मैंने डंकी को हार्ड कर ली है, और हार्ड करने के बाद मैं करता हूँ गाड़ी को चालू। आप लोगों ने फ्रेंड देखा कि जब जब हम डंकी हार्ड कर रहे हैं यानी फील पम्प को हार्ड कर रहे हैं यानी हैंड प्राइमर को हार्ड कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी चालू रहती है और उसके बाद बंद पड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, पम्प इसका खोलेंगे और पम्प खोल के इसको दूसरा पम्प इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड इस तरह का स्थिति अगर कभी आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सी पम्प का ही दोष होता है। क्योंकि हमारा जो पम्प है ये काम क्या करता है, रनिंग में अपना डीजल सप्लायर अपने खुद को लेना है इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड फटाफट से हम लोग पंप को खोल लेते हैं, पंप खोलने के बाद दूसरा पंप डालेंगे। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आता है कि डंकी हार्ड करने के बाद गाड़ी चालू रहती है, जैसे ही डंकी छोड़ा यानी हैंड प्राइमर को छोड़ा गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो ये BS4 गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम आता ही आता है। क्योंकि पंप जो है मोटर का काम करती है, जो मोटर अपना डीजल खुद अपना खींचने का काम करती है, अपना सप्लायर काम करती है लेने का। तो इसमें क्या हुआ कि पंप हमारा अंदर से वीक हो चुका है, ठीक है, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है बार बार। चलिए मैं पंप को बाहर निकालता हूँ। पंप को बाहर निकाल कर एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि BS4 गाड़ियों में टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ करना क्या है, गियर को फिट मिलाना है। इसमें गियर अगर मैचिंग हो जाएगा तो वहाँ पर जाकर आपका पंप फिट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरा पंप लेकर आऊँगा और इसको दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कभी भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जब तक आपने हैंड प्राइमर को पुश किया गाड़ी आपकी चालू रहती है, हैंड प्राइमर छोड़ा गाड़ी बंद पड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति अगर प्रॉब्लम आपके पास आता है तो मैंने आप लोगों को तो दिखाया
कि क्या प्रॉब्लम था और मैंने क्या चीज़ आपके सामने ये खोला हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने आप लोगों ने खुद देखा है कि सामने से मैं दिखा रहा हूँ कि ये पंप मैंने खोला क्यों है, जो कि प्रॉब्लम था इस गाड़ी में। बार बार मैं डंकी हार्ड कर रहा था और उसके बाद गाड़ी बंद पड़ जा रही थी, यानी हैंड प्राइमर हार्ड कर रहा था और गाड़ी बंद पड़ जा रही थी। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि पंप हमारा अंदर से वीक है, वीक होने के कारण अपना खुद का डीजल अपना खींच नहीं रहा है, सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। पहले हमारी BS2 गाड़ी, 3 गाड़ियों में जो देखा होगा आप लोगों ने, टाटा गाड़ियों में, जैसे लेलैंड की गाड़ियों में भी देखा होगा कि पंप के साथ में हैंड प्राइमर देता था। अब यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कि मेरे पास पंप ऑलरेडी आ चुका है, न्यू पंप जिसको हम फिटिंग करने वाले हैं। ये है गियर, जो कि गियर में मैचिंग हो जाएगा तो आपका पंप फिट हो जाएगा। इसमें टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग या पंप की टाइमिंग, बस गियर मैच होना चाहिए। मैचिंग होने के बाद आपका फिट आराम से हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पंप अगर फिटिंग करते हैं आप लोग तो जो 3 स्टड दिए हुए हैं, जो बोल्ट दिए हुए हैं, बोल्ट आप लोग खोल लेते हैं तो आपका पंप आसानी से फिटिंग हो जाएगा, जैसे कि काफ़ी मतलब तकलीफ नहीं होगा। किधर भी आप इसको ऊपर नीचे करके इसको फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एडवांस रिटायर का कोई जगह भी नहीं है और ना ही कोई टाइमिंग की ज़रूरत है। इसमें बस गियर मैचिंग करना है और फिट कर देना है। तो चलिए हम फिट पंप को भी फिटिंग कर लेते हैं और पंप फिट करके आप लोगों को आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम आपके पास कभी आता है ना, तो आप जैसे डंकी मार रहे हैं, यानी हैंड प्राइमर को पुश कर रहे हैं, हार्ड हो रहा है, गाड़ी बंद पड़ जा रही है, तो ये पंप का दोष 100% पंप का दोष होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया भी आप लोगों को, इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि उसमें गाड़ी में भी ऐसा ही स्थिति था, यह भी प्रॉब्लम था, ऐसा ही प्रॉब्लम था। और मुझे ये दूसरा वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो है मैंने सामने से दिखाया आप लोगों को, उसमें भी दिखाया हूँ मैंने और इसमें भी दिखाया हूँ मैं। क्यों मेरा ये वीडियो बनाने की ज़रूरत यही है कि ताकि आप लोगों के पास, मेरे पास भी तो कॉल आते हैं और कुछ लोग कॉल करते हैं कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं भाई इस पर वीडियो बनाओ, कभी कुछ लोग बोलते हैं इस पर वीडियो बनाओ। दोस्त, अगर जो प्रॉब्लम हमारे पास आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, एवरीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों से सीखना है और मुझे आप लोगों को सिखाना है। ये ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मैं बड़ा मैकेनिक हूँ या कुछ अलग हूँ, नहीं, जैसे आप लोग मैकेनिक हो वैसे मैं भी मैकेनिक हूँ। ठीक है, और बहुत सारे फ्रेंड मुझे नाराज़ भी हैं, मुझसे नाराज़ भी हैं कि उनको मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ या SMS का जवाब नहीं देता हूँ, कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। तो फ्रेंड, मुझे भी दूसरी जगह नौकरी करनी पड़ती है और काम करना पड़ता है, इसके लिए मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों की नाराज़गी दूर करने की। तो यहाँ पर फ्रेंड न्यू पंप है, इसमें मैं टाइमिंग थोड़ा घुमा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कॉमेंट करते हैं कि भाई आपने तो टाइमिंग मिला के रखा होगा। तो चलिए, पंप को मैंने फ़िट कर दिया है। फ़िट करने के बाद फटाफट से मैं इसके सारी बोल्टों को टाइट करता हूँ, यानी फेस कर लेता हूँ, जो हमारी 3 स्टड जो है उसको भी फेस कर लूँगा अच्छे तरीके से, जो मैंने खोला है स्टड को, मैंने खोल कर ही फिटिंग किया था पंप, ताकि हमारा आसानी से फिटिंग हो जाए, जिससे कि हमारा तकलीफ ना हो। तो गियर मैचिंग हो जाएगा आपका, जो गियर है इसका मैचिंग हो जाएगा तो आसानी से फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट से फिटिंग चालू करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड हमारा फटाफट से काम चालू है, इसमें फिटिंग चालू है और मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग अपना दिल के तसल्ली के लिए, मन के तसल्ली के लिए पाइपलाइन चेक ज़रूर कर ले आप लोग, जो कि हमारा टंकी से मेन लाइन जो आती है उसको भी चेक ज़रूर कर ले आप लोग, कहीं हो सकता है उसमें हमारे जो टंकी, जो मेन पाइप का जो लाइन आता है उसमें कहीं जाली में हमारा कचरा वगैरह नहीं आ जाए, डस्ट वगैरह नहीं आ जाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारा डस्ट वगैरह उसमें आ ही जाता है, जैसे कि कपड़ा या रुई हो गया, कुछ भी चीज़ उसमें आकर फंस जाता है, जिससे डीजल सप्लायर नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एयर निकाल लेता हूँ और एयर निकाल कर मैं गाड़ी को करता हूँ चालू। ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, यानी पंप कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। जैसे कि कंप्लीट करने के बाद अब मैं गाड़ी को करता हूँ चालू, एयर निकाल लेता हूँ थोड़ा। एयर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लोग पंप फिटिंग करते हैं तो एयर निकालना ज़रूरी होता ही है। और बहुत सारे लोग मुझे पता है कि मुझे कॉमेंट ज़रूर करेंगे कि यार ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो भाई मैं तो एयर निकाल के ही चालू करूँगा, कहीं हो सके आपके पास बिना एयर निकाले चालू हो जाए, मैं तो एयर निकाल के ही चालू करूँगा, क्योंकि टाटा, लेलैंड और महिंद्रा ये सबको मैं तो चालू करता हूँ, तो एयर निकाल के ही चालू करता हूँ। तो चलिए, 10 नंबर का बोल्ट देता है कंपनी 10 नंबर का बोल्ट देता है पीछे की तरफ, उसको खोलकर एयर निकाल सकते हैं आप लोग, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, एयर निकालने से तो अच्छा है कि हमारा गाड़ी फटाफट चालू हो जाएगी।
तो चलिए मैं डंकी पुश करता हूँ। पुश करने के बाद गाड़ी को करता हूँ चालू और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ठीक है, जो कि चालू करके भी दिखाना मेरा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करना चालू कर देते हैं। तो डंकी मैंने हार्ड कर दी है, अब करता हूँ गाड़ी को चालू और दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा कि ये गाड़ी क्रैंकिंग कर रही है, यानी राउंड ले रही है, तो हम इसको थोड़ा सा एक दो बार राउंड देगा, हो सकता है कि BS4 गाड़ी ऐसा राउंड लेता है, कोई तकलीफ नहीं है, एक दो बार स्लिप लगानी पड़ेगी आपको। तो चलिए फिर से हम चालू करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड, हमारी गाड़ी कम्प्लीटली चालू हो चुकी है। स्टार्टिंग एक दो बार क्रैंकिंग किया इसने, उसके बाद हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है, यानी हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, जो कि पंप से प्रॉब्लम था हमारा, जो गाड़ी बार बार हमारी बंद पड़ जा रही थी। जैसे हम हैंड प्राइमर को यानी डंकी को पुश करके हार्ड करते थे तो हमारी गाड़ी चालू हो जाती थी, उसके बाद बंद पड़ जा रही थी, यानी पंप का प्रॉब्लम था इसमें। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आता है, कभी तकलीफ ऐसी आती है, तो आप लोग सबसे पहले तो मेन लाइन ज़रूर चेक कर लेना, आप लोग आपकी तसल्ली के लिए मेन लाइन ज़रूर चेक कर लेना। चलिए मैं पाना पकड़ जो हमारी रिंच है उसको अलग कर लेता हूँ, साइड कर लेता हूँ, और गाड़ी में भी चलकर दिखाता हूँ आप लोगों को कितना हमारा RPM जा रहा है, कितना है उसका, ठीक है। तो तसल्ली के लिए आप लोग ज़रूर मेन लाइन चेक कर लें कि हमारा वहाँ से तकलीफ़ तो नहीं है, फिर भी अगर तकलीफ़ हो तो उसको भी सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। अभी आप लोगों को तो मैंने सामने से दिखाया कि इसमें हमारा पंप का प्रॉब्लम था, जो कि पुश हमारा हैंड प्राइमर पुश करने के बाद गाड़ी हमारी चालू रहती थी, उसके बाद बंद पड़ जा रही थी। तो चलिए आपको मैं गाड़ी के अंदर भी जाकर दिखाऊंगा। आप लोग को कभी भी अगर तकलीफ हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कॉल SMS कर सकते हैं। तो ये हैंड प्राइमर का तो तकलीफ नहीं था, जो कि अगर देखिए हैंड प्राइमर का प्रॉब्लम होगा तो गाड़ी हमारी तेल जो है हमारी डीजल सप्लाई नहीं हो पाएगी खड़ी गाड़ी में, यानी जब हमारी गाड़ी बंद है तो सप्लाई नहीं करेगी। इसमें सप्लाई सही था, खड़ी गाड़ी में बंद गाड़ी में हमारी सप्लाई डीजल सही हो रहा था, कोई तकलीफ नहीं था, बस चालू में सप्लाई नहीं हो रहा था, यानी हमारा पंप जो है सही से काम नहीं कर पा रहा था, अपना डीजल जो है अपना खुद से सप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो चलिए मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ RPM हमारा कितना जा रहा है और क्या इसमें हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा गाड़ी हमारी सही हो चुकी है, ये अशोक लेलैंड BS4 गाड़ी है। अगर किसी फ्रेंड को डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं रेस देता हूँ, रेस देकर दिखा देता हूँ आप लोगों को कितना हमारा RPM जा रहा है कम्प्लीटली। तो चलिए थोड़ा सा और एक्सीलेटर देता हूँ इसको, यानी 27 से 28 तक हमारा RPM जा रहा है, यानी हमारा गाड़ी कम्प्लीटली सही हो चुकी है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन हमारा आप लोगों के पास मिलती रहे, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जिससे कि मुझे भी तसल्ली हो कि ताकि आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय ऑल फ्रेंड, थैंक वॉचिंग फॉर यू।